वेलकम एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अभी स्टार्ट करते हैं उधर से ही जहाँ से छोड़ा था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड की बात करेंगे, फिजिकल को डिस्कस करेंगे। सॉलिबिलिटी है, मोस्ट अमाइनो एसिड सॉलिबल होते हैं वाटर में एज़ कम्पेयर टू मीन्स इनसॉलिबल होते हैं इनसॉलिबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, अमाइनो एसिड जो है मेल्ट होते हैं हाई टेम्परेचर पे अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनका टेस्ट जो होता है वो टेस्ट जो होता है स्वीट भी होते हैं, कुछ बिटर भी होते हैं। स्वीट में ग्लाइसिन है, एलिनिन है, वलिन है, बिटर में आर्जिनिन और आइसोल्यूसिन। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ग्लाइसिन को छोड़ के तमाम अमीनो एसिड जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स पजेस करते हैं, मींस उन पे चारों ग्रुप जो है कार्बन पे डिफरेंट होते हैं। और इसमें सेकेंड एसिमेट्रिक कार्बन भी होता है, एक एसिमेट्रिक कार्बन तो है लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें सेकेंड एसिमेट्रिक कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है। तो उसे हम वो कौन से अमीनो एसिड होंगे, वो आइसोल्यूसिन एंड थ्रीनिन, इनमें दो होंगे एसिमेट्रिक कार्बन। और इसके अलावा हम बात करेंगे अमाइनो एसिड एज एम्फोलाइट्स जो है, इनमें बहुत एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप होंगे, ये डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन कर सकते हैं। ज्विटर और डायपोलर आयन क्या होते हैं, ज्विटर एक वर्ड जर्मन से ड्राइव किया गया है, इसका मतलब होता है हाइब्रिड। सो ज्विटर आयन क्या है, हमारे पास हाइब्रिड मॉलिक्यूल होता है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयनिक ग्रुप दोनों होते हैं। और हमारे पास अमाइनो एसिड जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं न्यूट्रल फॉर्म में, यानी बहुत कार्बन कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप्स जो होते हैं वो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे पास स्ट्रांगली एसिडिक पीएच में अमाइनो एसिड क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और स्ट्रांगली अल्कलाइन जो होता है पीएच उसमें अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ल्यूसिन है, इसका ये पीएच है और ये ज्विटरन की तरह, ये ज्विटरन है, ठीक है। इसका मीन्स इसमें ये ज्विटरन पे एग्जिस्ट करेगा, यानी जो है इसमें दोनों या तो गैन भी कर सकते, पॉजिटिव ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ग्रुप दोनों होते हैं इसमें। और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ये अब क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ये वो पीएच होता है जिसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे ज्वेटर आयन में और डायपोलर आयन में, और इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ये। सो अगर हम इसकी बात करें ल्यूसिन की, अगर इसका जो पीएच है वो कम होगा 6.0 से, सो वो हमारे पास केटाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर इससे ज़्यादा होगा, अल्कलाइन होगा, तो वो हमारे पास एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और ये जो है ज्विटरन कहलाएगा इसका, ल्यूसिन का। ट्राइटेशन ऑफ अमाइनो एसिड क्या है, इसे मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट आयनिक फॉर्म्स होते हैं अमाइनो एसिड के, तो हम उसे इस ट्राइटेशन कर्व के थ्रू समझेंगे। हमारे पास क्या होता है, ल्यूसिन होता है, वो क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है लो पीएच पे प्रोटोनेटेड फॉर्म में एज कैटायन, ठीक है। जब हम उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, टाइट्रेशन करवाएंगे, तो वो लूज़ करेगा अपना प्रोटॉन और आ जाएगा किस फॉर्म में, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में, पीएल मींस आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। उसके अलावा जब हम फर्दर टाइट्रेशन करवाएंगे तो वो क्या हमारे पास बन जाएगा, एनायनिक फॉर्म ऑफ ल्यूसिन। तो मींस इस टाइट्रेशन कर्व के थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं डिफरेंट एनायनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसमें रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड रिएक्शन शो करता है। सबसे पहले अमाइनो एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा बेसिस के साथ, और ईस्टर के साथ क्या बनेगा, अल्कोहल। तो जब हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप बेस के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट बनेगा, और जो ईस्टर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल। और डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, हमारे पास अमाइंस प्रोड्यूस होंगे, हिस्टामीन है, टायरामीन है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड है। हिस्टामीन जो है हमारे किससे बनेगा, हिस्टाडीन से बनेगा, और हमारे पास ब्यूटेरिक जो टायरामाइन है वो किससे बनेगा, हमारे पास टायरोसिन बनेगा, और गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जो है ग्लूटामेट बनेगा। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ एस्पार्टिक एसिड रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, अमाइड डेरिवेटिव एस्पर्जीन। ग्लूटामिक एसिड रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ तो ग्लूटामीन बन जाएगा। अब रिएक्शन ड्यू टू अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप बिहेव करेगा एज बेसिस, एंड जो हमारे पास क्या बनेगा, रिएक्ट करके एसिड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास सॉल्ट बनेगा। अल्फा अमाइनो एसिड रिएक्ट करेगा, एक निनहेड्रिन होता है उसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास रोमेंस पर्पल बनेगा। सो ये हमारे पास अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए, प्रोटीन को हम लोग मालूम करने के लिए रिएक्शन करवाते हैं। अमाइनो एसिड होते हैं हमारे पास क्या करते हैं, कलर रिएक्शन भी शो करते हैं, हम कलर रिएक्शन से भी डिटेक्ट कर सकते हैं अमाइनो एसिड को। और हमारे पास ट्रांस अमाइनेशन, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है, एक अमाइनो एसिड से कीटो एसिड ग्रुप में, और हमारे पास न्यू अमाइनो एसिड बनेगा। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन क्या है, हमारे पास नेम से ही शोर है, अमोनिया का लिबरेट होना। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हमारे पास क्या होते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं प्रोटीन में जो कि पाए जाते हैं, उनमें से हमारे पास कोलाजिन है,
कोलाजन आपको बहुत अच्छे से पता है कि अबंडेंट प्रोटीन है, मेमल्स में प्रेजेंट है। ये कंटेंट करता है, इसमें कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड 5-हाइड्रोक्सीलाइसिन प्रेजेंट होगा, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इसमें। और हिस्टोन में क्या होता है, हिस्टोन सबसे नंबर सेकंड जो है हमारे पास हिस्टोन है। सो हिस्टोन जो है डीएनए के साथ एसोसिएशन रखता है। गामा कार्बोक्सीग्लूटामिक एसिड जो है हमारे पास क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है ये प्रोटीन। और सिस्टीन हमारे पास जो सिस्टाइन है, 2 सिस्टीन्स मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं, सिस्टाइन बनाते हैं। सो ये हमारे पास हो गया, इसमें आ गया। और नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड क्या होते हैं, मे बी अल्फ़ा और नॉन अल्फ़ा अमीनो एसिड होते हैं, इसका एक चार्ट बना है बुक में, आप देख लें उससे। और हमारे पास डी अमीनो एसिड्स भी होते हैं। सो डी अमीनो एसिड जो होते हैं वो भी कम पाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन एंटीबायोटिक्स जो कुछ होते हैं, एक्टिनोमाइसिन डी है, वेलिनोमाइसिन है, इसमें पाया जाता है डी अमीनो एसिड। और इसके अलावा हमारे पास जो है डी सीरीन, डी एस्पार्टेट जो है हमारे ब्रेन टिश्यू में पाया जाता है, डी ग्लूटामिक एसिड, डी एलिनिन, ये भी बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है। सो ये वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है, इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।